दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन परियोजना पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। रेलवे बोर्ड ने दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की फिजिबिलिटी रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन परियोजना के लेटेस्ट अपडेट के बारे में विस्तार से जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दिल्ली और वाराणसी के बीच बुलेट ट्रेन चलाने की महत्वाकांक्षी परियोजना पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। दरअसल रेलवे बोर्ड ने दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड कॉरिडोर की फिजिबिलिटी रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। इतना ही नहीं, रेलवे अधिकारी हाई स्पीड अथवा सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाने को लेकर भी दो विभाग में बंट गए हैं। रेलवे बोर्ड के सचिव आरएन सिंह की अध्यक्षता में पिछले हफ्ते दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन परियोजना की समीक्षा बैठक हुई। इसमें नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड बोर्ड के अधिकारी भी मौजूद थे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उस बैठक में दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन परियोजना की फिजिबिलिटी रिपोर्ट को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के साथ साथ बुलेट ट्रेन कॉरिडोर बनाने का सुझाव दिया गया था। इससे जमीन का अधिग्रहण सस्ती दरों पर हो सकेगा और निर्माण की लागत कम होगी। कॉरिडोर बनाने पर करीब 2.25 लाख करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। हालांकि इसकी असली लागत DPR बनने के बाद पता चलेगी। इस परियोजना में टेक्निकल इश्यू यह है कि NH2 दिल्ली से वाराणसी के बीच तमाम स्थानों पर घुमावदार है, जबकि 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बुलेट ट्रेन चलाने के लिए हाई स्पीड कॉरिडोर सीधा होना चाहिए। रेलवे बोर्ड और नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधिकारी हाई स्पीड अथवा सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाने पर भी विभाजित है। इसका कारण यह है कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना को दिसंबर 2023 में पूरा होना था, लेकिन अभी सिर्फ गुजरात में इसके खंभे खड़े हो रहे हैं। महाराष्ट्र में जमीन अधिग्रहण का कुछ भी काम नहीं हुआ है। देरी के कारण परियोजना की लागत 1.50 लाख करोड़ तक पहुंचने वाली है। अधिकारियों का तर्क है कि हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने में 200 करोड़ रुपये प्रति किलोमीटर का खर्च पड़ रहा है, इसीलिए 160 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन ही चलाई जाए। बता दें कि सरकार ने आम बजट में 400 नई वंदे भारत ट्रेन का उत्पादन करने की घोषणा की है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और ऐसे ही अन्य बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, मेट्रो प्रोजेक्ट और उनसे जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।